हेलो स्कॉर्पियंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपकी चंद्र राशि से आप स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक राशि हैं, तभी इस वीडियो को देखें तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को मैं कहना चाहूँगी, आपकी ये जो शनि का महा ट्रांजिट होने जा रहा है, एक्वेरियस साइन, ये आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे प्रभाव रहेंगे आपके लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है, शनि देव की ढैया आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। वहीं साथ ही साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि शश नाम का राजयोग भी बनेगा। केंद्र में ही शनि देव त्रिकोण राशि में बैठेंगे, एक्वेरियस साइन में। एक शुभ और एक अच्छी प्लेसमेंट ज़रूर है, तो यहाँ पे प्लस रिजल्ट भी है, माइनस रिजल्ट भी है। माइनस को और कम करने के लिए लास्ट में मैं आपको रेमेडी ज़रूर बताऊंगी, वो कर लीजिएगा। लेकिन ये 2.5 वर्ष पहली चीज़ तो जो शुभ फल आपके लिए लेके आ रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, कोई लग्जरी आइटम परचेज करना चाहते हो, जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हो अपने जीवन में, तो यहाँ पर बहुत शुभ और अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, अच्छा माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑलरेडी एक बिल्डर हो रियल एस्टेट में, तो समझ लो आपकी वाहवाही होने ही वाली है इन 2.5 वर्षों में। बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट शनिदेव की बनेगी, फोर्थ हाउस में, त्रिकोण में बैठी राशि में, बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो घर खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टियां खरीदना चाहते हो, जो भी आप कह लो, लैंड, व्हीकल्स, लग्जरी आइटम्स, सब में शुभ फल आपको देखने मिलेंगे। बकायदा आपकी कुंडली में भी शनिदेव स्ट्रॉन्ग और अच्छे होने चाहिए, तभी इन रिजल्ट्स का आपको 100% प्रॉपरली रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ माता के साथ में रिश्तों में सुधार देखा जाएगा, इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। लेकिन माता की हेल्थ को लेकर के या माता से रिलेटेड थोड़ी चिंता आपके मन में बनी रहेगी, तो मदर की हेल्थ का भी आपने पूरा ध्यान देना है। एंड साथ ही साथ में अपने रिश्तों में अगर थोड़ी बहुत इश्यूज हैं भी, तो उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। पूरी तरीके से माता का आशीर्वाद, सपोर्ट, आप अपनी तरफ से सेवा, जो भी आपकी भावनाएं हैं उन्हें प्रकट करें, माता को बताएं, डिस्कस करें। एक रिश्ता एक सहज रूप से सिंपली स्ट्रांग रखिएगा, अच्छा माना जाएगा। तो कुछ प्लस माइनस मिक्स पॉइंट हो गए जहाँ पे शनिदेव आपके आकर बैठने वाले हैं। ठीक है, देखो, बहुत बार शनिदेव जब भी फोर्थ हाउस में आते हैं, एक और चीज़ देखी जाती है चंद्र राशि से, कि कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि भाई अब मैं मेरे घर से ना दूर जाने वाला हूँ। देर आर चांसेस कि आप अपने घर से दूर जाकर काम करो, जॉब करो, घर से दूर जाकर एब्रॉड में जाकर काम करें, घर से दूर जाकर आपने कोई हॉस्टल में चले गए हो। घर से दूर जाने की स्थिति बहुत स्ट्रांगली बन जाती है, या उस घर में रहते हुए भी आपको लगेगा मैं घर वालों से ना कनेक्ट नहीं होता, मुझे कहीं और जाना है, मुझे दूर जाना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा देखना है, बड़ा करना है, मुझे बस मेरे इसी घर, मेरे इसी आसपास जगह पे नहीं रहना है, मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। तो ये मन में इच्छा भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये प्रकार की भी चीज़ें अगर आपके मन में आ रही है, तो ये आपके लिए शुभ और अच्छी ही मानी जाएंगी, वो चिंता मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, स्कॉर्पियंस, आपकी लाइफ में जो देखी जाएगी, एक दृष्टि पड़ेगी आपके जॉब के ऊपर। तो जॉब रिलेटेड जितने लोग परेशान थे, जॉब में भी सपोर्ट आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जॉब मिलने के बाद में ऑफिस पॉलिटिक्स, दूसरे लोगों के अननेसेसरी पंगे आसपास में चलते रहेंगे, इसको आपने अवॉइड करना है। सो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी होंगी। तो थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस साथ साथ में आपके चलेंगे, जहाँ पर ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। बाकी जॉब मिलने के प्रॉपर योग हैं, आपके कर्म स्थान में, काम में भी आपको प्रोग्रेस देखने मिलेगी, अच्छा माना जाएगा। करियर वाइज देखो, करियर, प्रॉपर्टी, लैंड, लग्जरी आइटम रिलेटेड अच्छा माना जाएगा, नो नीड टू वरी। यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट है जो आपके लिए शुभ और अच्छे फल लेकर आएंगे। अब क्या होएगा, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर भी, चंद्र, जहाँ पे चंद्र भी बैठे हुए हैं। तो चंद्र और शनि की जब भी कंजंक्शन बनता है दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं आपको इस 2.5 वर्ष में ओवरथिंकिंग, स्ट्रेसफुल थिंकिंग, या कहीं ना कहीं मन जल्दी परेशान हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना। शुरुआत कोई चीज़ बड़े हाई जज्बे से करोगे, देन सडनली बीच में लो हो जाओगे, डल हो जाओगे, ये परिस्थितियाँ रहेंगी। इसके लिए क्या महा उपाय कर सकते हो कि जो शनिदेव के ढैया के पाप प्रभाव होंगे वो कम रहे? पहली चीज़ तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा आप। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ साथ शनि देव की अगर आप जितना भी हो सके आराधना करें, शाम के समय में शनि देव का जाप करें, ओम श्रम शनिश्चराय नमः, शाम के समय में सबसे शुभ और अच्छा है। चाहो तो शनि देव के मंदिर भी जा सकते हैं हर शनिवार को, वो भी आपके लिए शुभ फलदायक होगा, सपोर्ट आपको मिलेगी, अच्छा फल होगा। इसी के साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो अपने पास में क्रिस्टल भी रख सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने बेड के पास में, ताकि ओवर थिंकिंग आपकी कम हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ओवर थिंकिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, मैं बड़ा स्ट्रेस में रहता या रहती हूँ, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने बेड के पास में रख सकते हो, बहुत आपको काम डाउन एंड सूदिंग एनर्जीज महसूस होंगी, उतना पाप प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
कोर्ट केस का कोई मामला चल रहा था, लीगल मैटर्स में कहीं अटके हुए थे, तो अच्छा रिजल्ट आपको उसमें देखने मिलेगा, फेवरेबल सिचुएशन। पॉलिटिक्स से जितना हो सके दूर रहिएगा, अननेसेसरी चीज़ों में अवॉइड कीजिएगा। अब देखो क्या होगा ना, करियर में ग्रोथ आएगी, बट ग्रोथ के साथ साथ में ना वो ग्रोथ की स्पीड स्लो रहने वाली है, तो इस चीज़ का धैर्य रखिएगा। 2.5 वर्ष का समय, यानी भाई 2023 में ही सब हो जाएगा। 2.5 वर्ष शनिदेव रहने वाले हैं, आपको सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, जीवन जीना भी सिखाएंगे। मेहनत से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वृश्चिक राशि वालों, मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके जीवन में आपको देखने मिलेंगे सिर्फ शनि के प्रभाव से। आगे और भी प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होंगे, शुभ फल देखने मिलेंगे, और 21 अप्रैल के बाद में आपके जॉब में तो और भी थोड़ा सपोर्ट एंड एनर्जीज आपको अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो वो भी आपको शुभ फल देंगे। बृहस्पति के ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूंगी, बट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस को कम करने के लिए रेमेडीज मैंने दे दी, बस विश्वास करके इतना कीजिएगा, बहुत है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो प्रभाव हैं, जो यू नो फ्लो है ऑफ लाइफ चल रही है, वो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लमेटिक है तो बेहतर होती चली जाएगी, सपोर्ट रहेगी। बस अच्छे कर्म अच्छी सोच कायम रखिएगा, अपने आप रास्ते खुलेंगे, सपोर्ट भी आपको मिलेगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वृश्चिक राशि वालों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। Thank you so much.